मॉर्निंग रहूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पका रहे हैं बंद गोभी अंडे। तो ये मैंने लिया एक किलो गोभी। ये आप बंद गोभी के हैं, पत्ता गोभी के हैं या करम कल्ला, तो सब कुछ बोला जाए। इसके तीनों नाम हैं। इसको हमने एक कप तेल डाला और इसको इस तरह कर दिया। आधा कप ऑयल डाला और इसमें ये बारीक बारीक मैंने काट ली और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये नरम होकर नीचे ना पड़ जाए। तो बिल्कुल नरम हो जाती है, करारी करारी रहेगी जब तक इसको हम खुले ढकने के बगैर हम इस तरह करते रहते हैं। अभी हमने इसको कुछ डालना नहीं है जब तक ये जैसे नीचे हो जाती है पक के ना, उस तरीके से। इसको ये चलाते रहना और इसको करते रहना, ढकना नहीं है इसको। अपना मसाले डालने जब तक ये थोड़ी नीचे ना हो जाए ना, जैसे पकती है अरे पक के जो भी सब्जी जो भी होती है हो जाती है, इस तरह करारी करारी रहती है। में गल जाएगी ऑयल में और अपने पानी में। ये लहसुन अदरक दो चम्मच डाल रहे हैं और जगह में एक डालते हैं। ये जो है ना वो भी आपको पता ही है, सबसे के बन वो होती है फूल गोभी और या पत्ता गोभी, ये बाजी होती है। तो इसमें अदरक पड़े ना तो जितनी पड़े उतनी अच्छे से डाल के खूब भूनना है। फिर हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे। ये देखें कितनी सी हो गई, आधी पतीली हो रही थी, अब ये बिल्कुल नरम हो गई है। ये डालना है हल्दी। ये मसाला जो है ना आपको अपने मुताबिक डालना है कि हल्का फुल्का डालना है या सही से डालना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने अंडों में भी डालना है। अंडों को फेंट के इसमें डालेंगे जब ये ज़रा पक जाएगा ना, आँच हल्की रखनी है ताकि मसाला लगे नहीं। मसाले के साथ फूट देना। अब इसके बाद में थोड़ा भून के अब हम ढकना इसको ढक देंगे, कवर करेंगे ताकि अब ये और जो नरम होना है मसाला कच्चापन ख़त्म हो जाए। तेल थोड़ा कम लग रहा था मुझे, मैंने ये और डाल दिया। रौनक तो अच्छी लगती है ना, बगैर उसके सूखा सूखा तो नहीं खाया जाता। तो अब अंडे भी डालेंगे तो वो भी पीसेंगे ऑयल को। घुमा घुमा के अपने कच्ची जो रह गई है ये देखेंगे, ये गोभी तैयार हो गई। आपको भी लग रही होगी ना चटक से, अब ये अंडे आपके आगे बैठे। ये इस तरीके से
सारा डालिए। ये वो भी गरम गरम है, पक रही है, दम भी हो रही, नीचे भी बहुत हल्की आंच पे हमने इसको रखा है। अब ये देखिए पकने लगे, अंडा पकने लगा, फिर इसे हम मिक्स कर देंगे। पकना शुरू हो गया सफेद, आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा कि दोनों को लगे सफेद सफेद ज़रा ज़रा, मगर जब आप खाएंगे ना बिल्कुल आमलेट जैसा बना, जैसे आप प्याज भूनते हैं और हरी मिर्ची टमाटर डाल देते हैं, अंडे आपको थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं पकते जा रहे हैं, सारे जब पक जाएंगे ना अच्छी तरीके से, और ऑयल भी निकल आएगा। ये अंडे बिल्कुल पक रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला, पसंद आएगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रख, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए ये ऑयल निकला है, ये पक चुकी है, और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये इसको डिश आउट कर दिया, ये इसकी डेकोरेशन कर दी हमने, गार्निश हो गई इसकी, बहुत मज़ेदार बनी है ये, आप खाएंगे बनाएंगे बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। आइए, मैंने 1 किलो का हिसाब बताया, आप अपने फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं जितनी बनानी है, क्योंकि तो इतनी सी हो जाती है बिल्कुल भून के ना, फकत बहुत समय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपकी दस्तरखान को वसी रखिए, और आपको अपने घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, दीन और दुनिया में अच्छी वो करने की नेकी की तौफीक दे, आपको दीन और दुनिया में अल्लाह ताला आपको हमेशा सरफराज करें इन चीज़ों से, अच्छी बातों से। जी देखो मैंने धनिया आपको